दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए मंगलवार को दो पालियों में स्नातक और परास्नातक प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया गया। प्रवेश परीक्षा में 1115 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 293 ने परीक्षा छोड़ दी। 9 बजे से 11 बजे तक की पहली पाली में BBA बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रवेश परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा के लिए 1049 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। 813 परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 236 ने परीक्षा छोड़ दी। वहीं दोपहर की पाली में MA प्राचीन इतिहास और PG डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी एंड म्यूजोलॉजी और MSc माइक्रोबायोलॉजी की प्रवेश परीक्षा हुई। इस परीक्षा के लिए 359 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। परीक्षा में 302 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 57 ने प्रवेश परीक्षा को छोड़ दिया। प्रवेश परीक्षा के क्रम में बुधवार को सुबह की पाली में आयोजित होने वाली BBED की प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने फिजिकल परीक्षा और मेरिट के आधार पर प्रवेश का निर्णय लिया है। फिजिकल की सूचना जल्द ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रवेश परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी आलोक ओझा और सक्षम जायसवाल ने कहा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे। कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए ज़्यादा अच्छा पेपर था, बिजनेस एप्टीट्यूड भी पूछा गया था और जनरल क्वेश्चंस थे ज़्यादा, और जिसने पढ़ा होगा उसके लिए इजी था वो। सक्षम जायसवाल, अच्छा क्या है? 4 सेक्शन थे जिसमें से कॉमर्स के थे, इंग्लिश के थे और मैथ्स के थे और मेंटल एबिलिटी के थे। उम्मीद तो अच्छा, पेपर तो हमारा अच्छा गया है और उम्मीद यही कि इस बार हो जाना चाहिए।